गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 7th ऑफ फरवरी 2023। डॉलर इंडेक्स कल जो क्लोज दिया है वो है 103.52। इसका जो लोकेशन है दैट इज वेरी क्रूशियल। ये प्रीवियस सपोर्ट जो था वहां पे आके रुका है। ऑल्सो डेली RSI एट 60 में रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। वीकली का अगर हम देखेंगे मीन्स जस्ट सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, ये जो बॉटम आउट करने के प्रयास के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। एंड मंथली जो है इट टुक सपोर्ट एट सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड एंड ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। मंथली कैंडल अभी जस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ है, सो अभी काफ़ी नंबर ऑफ डेज बाकी है टू कॉम्प्लीट द कैंडल। सो दैट बिंग द केस, ये जो करंट लेवल है दैट इज़ ए वेरी क्रूशियल लेवल। हमें देखना है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सेल ऑफ होता है नीचे की तरफ, वीक होता है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी कल एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा गया है, बिकॉज ऑफ विच ये आपका 82.83 तक हाई मार के क्लोज दिया है 82.72। अभी वही ऑलमोस्ट वहीं पे है। यहाँ पे एक चीज जो है ये एक ट्रेंड लाइन पहले जो सपोर्ट था अभी वहीं पे जाके प्राइस रुक रहा है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले ले प्राइस एंड थोड़ा सा सेल ऑफ हो जाए। कल सरप्राइजिंगली ये था कि 40-50 लेवल्स में एंटिसिपेशंस था कि इनविजिबल हैंड्स आर एक्सपेक्टेड टू सेल, लेकिन दिन भर इनविजिबल हैंड्स का कोई नामो निशान था नहीं। सो उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके आपका 70-75 उसके और चला गया था। सो अभी हमें देखना है कि क्या ये आपका इस ट्रेंड लाइन जो पहले सपोर्ट था यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस लेता है या नहीं। और ऑल्सो इट्स अ क्रूशियल प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन ऑल्सो, जहाँ पे काफ़ी टाइम तक आपका 82.90 से 83.00 एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंसेस। सो यहाँ पे अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शंस नेगेटिव दिखता है तो वन में गो शॉर्ट इन दिस इंस्ट्रूमेंट। GBP डॉलर कल सेल ऑफ कंटिन्यू था, हालांकि ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं था बट कंटिन्यूएशन था एंड क्लोज्ड एट 1.2018। अभी भी ऑलमोस्ट वहीं पे है 1.2038। सो एंड RSI डेली एट 39 पॉइंट्स। थोड़ा सा एक नज़र GBP वीकली एंड मंथली में भी नज़र डाल लेते हैं। वीकली प्रीवियस वीक में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया, दैट बीइंग द केस अभी ये क्या ये 1.1850 की तरफ जाता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे करंट कैंडल इज ए नेगेटिव कैंडल, हालांकि जस्ट इट्स द स्टार्ट ऑफ द मंथ। सो क्या ये RSI 40 में सपोर्ट लेता है वो हमें देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट मंथ में क्या एक बुलिश एनगल्फिंग बनाता है समथिंग लाइक दिस, ये हमें देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन अगले महीने में। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए मंथली फरवरी में, अभी पूरा एंटायर मंथ पड़ा हुआ है, काफ़ी कुछ वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मार्च में क्या ये इस टाइप का एक बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, इन सच ए केस यहाँ पे मंथली पे एक रेंज शिफ्ट हो सकता है एंड दैट इज गोइंग टू बी ए गुड मीन्स अपवर्ड मोमेंटम वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मंथली इज मंथली बहुत लंबा टाइम फ्रेम, सो अभी वहाँ पे नहीं जाना है। अभी हमें डेली में थोड़ा सा सपोर्ट लेवल जो है 1.1850 के आसपास मिल सकता है। GBP आया ना 99.50, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया था आपका 2nd of February, उसके बाद 3rd को भी कंटिन्यूएशन था एंड कल दैट इज द 6th of February में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है।
बट इट सिग्निफाइज सम सॉर्ट ऑफ पॉज. ये पॉज के बाद क्या ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है या थोड़ा सा अपवर्ड अपटिक देते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा. यूरो डॉलर यहाँ पर भी कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ था एंड क्लोज इट 1.0725. सो यहाँ पे आपका, उससे पहले एक बार आपका वीकली देख लेते हैं. वीकली इन्वर्टेड पिनवर्ड बनाने के बाद नीचे की तरफ कंटिन्यूशंस है. सो एज पर द प्राइस एक्शन थोड़ा सा हम डाउनवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं, लेकिन RSI अगर देखेंगे, RSI at 60, what it signifies, हमें देखना पड़ेगा क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है 60 पे, उसके बाद ऊपर जाता है या नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है. मंथली इज न्यूट्रल, मीन्स इट्स ए 40-60 साइडवेज टाइप. सो यहाँ पे आपका वीकली में क्या ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है एंड डेली में क्या ये डाउनवर्ड मोमेंटम कर रहा है टुवर्ड्स 1.05, 1.0550, ये हमें देखना पड़ेगा. यूरो INR आपका 88.80 लेवल्स में है. अभी भी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दिया हुआ है. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद क्या ये कल 6 फरवरी के कैंडल के लो के नीचे प्रोसीड करता है या यहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा. डॉलर येन आपका है 132.39. कल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है. सो एनी प्राइस एक्शन अबव द हाई ऑफ द डोजी कैंडल में टेक डॉलर इंडेक्स लिटिल हाई टुवर्ड्स 134.50 की तरफ, वहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस मिल सकता है. एक नज़र वीकली में मार लेते हैं. वीकली में भी थोड़ा सा मीन्स 40 के ऊपर चला गया है, अभी है 45.22. सो डेली वाला RSI 60 पे थोड़ा सा बेंड होने का प्रयास कर रहा है. सो क्या ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा पॉज होता है या ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है? अभी प्राइस को थोड़ा सा एक्शन करने देना है, थोड़ा इसका मोमेंटम देखना है या इसका हायर आए हायर लो या लोअर आए लोअर लो और साइडवेज थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है फॉर फर्दर डायरेक्शन, एक अपवर्ड या डाउनवर्ड उसके लिए. सो एज ऑफ नाउ हम इसको और थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे. येन INR काफ़ी इंतजार के बाद ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है. आज इसके नीचे फॉलो थ्रू चाहिए अगर फर्दर फॉल होना है टूवर्ड्स 61.50 की तरफ, अगर होना है तो कल के लो के नीचे फॉलो थ्रू चाहिए. डॉलर के लिए 1.3433, ये आपका 1.3265 के बाद बैक टू बैक तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिया हुआ है. फर्दर गो अहेड करने से पहले एक बार वीकली देख लेते हैं. वीकली में भी थोड़ा सा अपस्विंग मारा है. मंथली ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60, दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें देखना है कि इजीली ये 1.3525 के ऊपर जाता है या करंट लेवल से नीचे की तरफ आता है. थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देना है. $80 0.6896. सो कल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, जैसे कि हमारा पहले का एंटिसिपेशन था. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सपोर्ट लाइन एंड उसके बाद ये जो लाइन है दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंड सपोर्ट लाइन. सो हमें देखना है ये पॉज कैंडल के बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है या ऊपर हाई के ऊपर चला जाता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा. CNH 6.7995, ये थोड़ा सा टिपिकलिटी है, टिपिकलिटी बिकॉज CNH में थोड़ा सा करेक्शंस आया है, वेयर CNY पे उस टाइप का कुछ करेक्शंस देखा नहीं है. आप देखोगे सो That being the case, यहाँ पे अभी देखना है कि ये जो हाई ब्रेक करने के बाद 6.79 तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है क्या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा. UK ऑयल आपका कल लोअर लेवल से ऊपर गया है एंड RSI टर्म्स में इट टुक सपोर्ट एट 60. एक नज़र हायर टाइम फ्रेम में डाल लेते हैं एंड वीकली इज ऑल्सो
एट 40, डेली वाला 60 पे नहीं, 40 पे सपोर्ट लिया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ, हल्का सा माइनर सा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखा है, तो थोड़ा सा प्राइस सेक्शन अभी देखना है। एक ही चीज़ है कि ये स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। US 10 ईयर ट्रेजरी 3.6 to 9%। सो यहाँ पे देखो आपका ये जो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चला गया है, दैट मीन द केस यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये हायर हाई बनाया है आफ्टर मेकिंग कंटिन्यूअस लोअर लो फॉर्मेशंस के बाद। लेकिन RSI जो है आपका 60 में रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। एक नज़र आपका वीकली में डाल लेते हैं। वीकली में साइडवाइज है, मंथली अबव 60 है। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये 3.58 में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या वापस नीचे की तरफ आ जाता है। ये हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन और क्लैरिटी यहाँ पे चाहिए फॉर फर्दर थिंग्स। सो करेंसी एज ऑफ नाउ क्लियर कट कहीं पर भी नहीं है। डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा, रुपी में थोड़ा सा हमें इंतजार करना है इसके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक से। बट एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के वहाँ पे है आपका 82.90, 83.00। क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या नहीं हमें देखना पड़ेगा। सो ओवरऑल थोड़ा सा इंतजार रहेगा फर्दर क्लैरिटी के लिए ऑन ऑलमोस्ट ऑल द करेंसी पेयर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।